हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइज और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं फेमस गुजराती स्नैक जिसे ढोकला कहा जाता है। तो आइए बनाते हैं गुजराती स्टाइल में ढोकला और देखते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 कप बेसन और उसी के साथ 6 से 7 हमने हरी मिर्च ली है जिसको हमने बीच में से चीरा लगा लिया है और नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। करी पत्ते हमने लिए हैं, आधा नींबू लिया है हमने, एक इनो की पैकेट, और राई हमने ली है बघार के लिए, और हमने थोड़ी सी चीनी ली है, ऑयल है, और उसी के साथ हमने हल्दी ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुजराती डिश ढोकला। तो हमने एक टिन ले ली है, केक जो बेक करते हैं वो टिन हमने ले ली है, उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। और अब हम इसमें कटोरे में डालेंगे 2 कप बेसन, 2 कप के करीब बेसन है ये, तो 2 कप बेसन इसमें जाएगा। बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा कम यानी 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा मत डालिएगा, और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। मिक्स कर लें इसे आप। अब मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी डालिएगा, हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की चाहिए, तो पानी डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स करिए और इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, उस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे और थोड़ा सा और पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए आप, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमने इसे अच्छे से बीट कर लिया है और अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि जो हमारा बेसन है वो थोड़ा सा फूल जाए। और साथ ही साथ हमने एक कढ़ाई में बाजू जो है सो पानी रख दिया है और उसके ऊपर एक स्टैंड भी रख दिया है जिसमें हम इसे स्टीम करेंगे। तो चलिए 5 से 10 मिनट के बाद इसे फिर शुरू करते हैं प्रोसेस। 10 मिनट हो चुके हैं हम इसे मिलाकर और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे ये इनो, इनो ऐड करिए इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे अब हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हम स्टीम करने वाले हैं इस बैटर को। और आप इसे टैप ना करिएगा ट्रांसफर करने के बाद, इस तरीके से थोड़ा लेवल कर दें बस ऊपर से। तो चलिए अब हम इसे के लिए रखते हैं, पानी पक रहा था हमारा, आप इसे बस इस तरीके से थोड़ा हिलाकर इसमें रख दें और इसे अब हम 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और इसे 15 से 20 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो 20 मिनट से फ्रेंड्स हमने इसे 20 मिनट्स के लिए तकरीबन स्टीम किया है, तो माशाल्लाह से ये हो चुका है, बहुत ही स्पॉन्जी हुआ है, आप इसमें टूथपिक वगैरह डालकर चेक कर सकते हैं। अब हम इसे डीमोल्ट करेंगे, एक 5 मिनट ठहरेंगे उसके बाद हम इसे डीमोल्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसे बघारेंगे। तो देखिए आपने, हमने इसे डीमोल्ट कर दिया था, डीमोल्ट करने के बाद हमने इसे स्क्वेयर पीसेस में काट लिया है ढोकले को। अब हम इसके ऊपर बघार डालेंगे, तो उसके लिए हमने 4 टीस्पून के करीब ऑयल लिया है पैन में, और अब हम इसमें राई डालेंगे, राई डालिए इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब, और जब ये राई चटकने लगे तो आप इसमें हरी मिर्चें डालें, ये हरी मिर्चें डाल दें आप इसमें,
तो अब हम इसमें करी पत्ते डालेंगे। इस तरीके से करी पत्ते डालिए। करी पत्ते डालने के बाद आप इसमें पानी डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब शुगर। और 1/4 लेमन हमने जो काट के रखा था वो हम इसमें स्क्वीज कर देंगे। तो चलिए, आप शुगर डाल चुके हैं अब इसमें। शुगर डालने के बाद अब हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमने जो लेमन रखा था वो हम इसमें स्क्वीज कर देंगे। अब ये लेमन स्क्वीज करने के बाद आप इस पानी को ढोकले के ऊपर स्प्रेड कर देंगे पूरा। तो अब हम इसे इस पे स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। तो हमने इसे गार्निश कर दिया है बघार से। अब हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे, चॉप किया हुआ। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है आपका गुजराती स्टाइल ढोकला। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है गुजराती स्टाइल ढोकला। आइए इसे टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए आप, कितना स्पॉन्जी बना है ये बिल्कुल। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस एग्जैक्टली हैदराबादी रेसिपीज। थैंक यू एंड बाय बाय।